नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के हृदय स्थली में 125 वर्षों पुराना एक भवन स्थित है, जिसे तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह ने अपनी प्रजा को रोजगार देने के उद्देश्य से बनवाया था। और इस भवन में कई गुप्त रास्ते बनाए गए थे, जिससे संकट की घड़ी में पार पाया जा सके और इस स्थान पर गुप्त मंत्रणाएं भी की जा सके, जिसमें रीवा के कारीगरों ने खुद से नक्काशी भी की थी और कई प्रकार की कलाओं को दीवार पर भी उकेरा था। आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक, इसे आपने या तो साहित्य किताबों में पढ़ा होगा या फिर भक्तिमय धारावाहिकों में देखा और सुना होगा। परंतु रीवा रियासत के महाराजा वेंकट रमन सिंह ने हूबहू इसी परिकल्पना से रीवा रियासत के लिए भवन का निर्माण कराया था, जिसका नाम रखा गया था वेंकट भवन। और इस भवन में पाताल लोक से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सुरंगें बनवाई गई थी। भूलोक में रियासत के काम की व्यवस्था और आकाश लोक में सूरज की रोशनी से टिमटिमाते तारों पर खुद के बैठने की व्यवस्था। दरअसल वर्ष 1895 से 96 के दरमियान रीवा रियासत में अकाल पड़ गया, जिसके बाद रीवा रियासत की सारी प्रजा काम की तलाश में पलायन करने लगी। तब अपनी प्रजा को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से और उनके भरण पोषण को देखते हुए रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव ने वेंकट भवन बनाने का निर्णय लिया और रोजगार की तलाश में भटक रही अपनी प्रजा को भवन निर्माण का काम दे दिया। तब भूख प्यास से मर रही प्रजा ने राजा की उदारता से प्रसन्न होकर मन लगाकर उस भवन में काम शुरू कर दिया। इस भवन के निर्माण को लेकर महाराजा वेंकट रमन सिंह ने इंग्लैंड से आए रीवा राज्य के इंजीनियर हैरिसन नाम के अंग्रेज को नक्शा बनाने का काम सौंपा था और आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक की परिकल्पना कर इस भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस भवन के निर्माण कार्य में करीब 1000 से अधिक मजदूरों ने काम किया। इसके साथ ही रीवा स्थित बिछिया निवासी मोहम्मद खान को मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया गया। इसके साथ ही अन्य सैकड़ों शिल्पकारों की मदद से महल की खूबसूरती बढ़ाने का हर संभव प्रयास में जुट गए। शिल्पकारों की कलाकारी इस कदर की पत्थरों में की गई नक्काशी देख पर्यटक अपनी उंगली चबाने को मजबूर हो जाए। रीवा में ऐसे बहुत से कारीगर थे जो पत्थरों में शिल्पकारी और नक्काशी करने में काफी माहिर थे, लेकिन भवन की सुंदरता और ज्यादा निखारने के लिए कुछ कार्य ऐसे भी किए थे जिसके लिए जोधपुर, आगरा और रायपुर से शिल्पकारों को बुलाया गया। भवन के निर्माण में गुड़, बेल और कत्था सुर्खी चूने सहित उड़द का इस्तेमाल किया गया है। भवन की दीवारों पर सीप और संगमरमर से छिपाई गई इन दीवारों नारियल की जटों से सिघाई की गई, जिसकी बाद दीवारों को शीशे की तरह चमकाने के लिए ढाका से मंगवाए गए एक खास किस्म की मखमली कपड़े का इस्तेमाल किया गया है और 13 वर्षों में 3 लाख रुपए की लागत से बनाकर ये वेंकट भवन तैयार हो गया। दरअसल इस वेंकट भवन के निर्माण में महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव ने अपने रियासत की रियाया को काम देने के वास्ते इसका काम शुरू करवाया था। दरअसल 1895-96 में रीवा राज में अकाल पड़ गया और यहाँ की रियाया जो गरीब वर्ग था, मध्यवर्गीय परिवार था, ये कामकाज के वास्ते ये रियासत के बाहर जाने लगे। जब महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव को मालूम हुआ कि उनकी रियाया राज्य से पलायन कर रही है, तो उन्होंने अपने रियाया को वेंकट बटालियन के मैदान में बुलाया और कहा कि आप लोग रीवा राज के बाहर मत जाइए, आपको हम काम देंगे और आपके काम के वास्ते एक हम बड़ा भवन बनवाएंगे, इमारत बनवाएंगे, जिसमें आप सब उसमें काम करेंगे। चुनांचे रीवा राज का जो इंजीनियर था उसका नाम था हैरिसन। ये वो इंजीनियर है जो इंग्लैंड का था और रीवा की कलेक्ट्रेट, जो पुराना कलेक्ट्रेट है, उसकी डिज़ाइन और ड्राइंग उसने किया था। रीवा जेल की ड्राइंग डिज़ाइन भी उसने किया था। उसी की निगरानी में दोनों इमारतें बनी थी। तो हैरिसन को नक्शा तैयार करवाया और रीवा राज के जो PWD विभाग था उसके मुख्य शिल्पकार मोहम्मद खां को इस भवन का मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया गया। इसमें हज़ारों की तादाद में इसमें रेजा मजदूर लगे और सैकड़ों इसमें शिल्पकार थे। ये जो भवन बना है वेंकट भवन, ये 1896-97 से इसका काम शुरू हुआ, निर्माण कार्य जो था, और 1907 में बन के तैयार हुआ। ये जो गोलाकार ये भवन है, इसका जो मुख्य स्ट्रक्चर है, इसकी जो मुख्य इमारत है, ये गोलाकार हौज में बनी हुई है। इसका पूरा स्ट्रक्चर गोलाकार हौज में खड़ी हुई है और इस भवन को आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक के परिकल्पना के आधार पे
बनाया गया। यद्यपि महाराजा वेंकट रमन सिंह जुदेव पूरी फौजी तरबियत और तालीम के महाराजा थे, लेकिन यहाँ पर 1640 में पहाड़ सिंह बुंदेला द्वारा यहाँ 1640 में पहाड़ सिंह बुंदेला द्वारा हमला किया गया। 1726 में महाराजा छत्रसाल के लड़के हृदय शाह बुंदेला ने यहाँ पर हमला किया, और 1796 में जो नैकहाई युद्ध रीवा में हुई है वो अली बहादुर जो पेशवा ज़्यादा था उसकी सेना यहाँ पर हमला की। तो इन हमलों के मद्देनज़र महाराजा वेंकट रमन सिंह जुदेव ने एक जो ये भवन के साथ साथ एक सुरंग तामीर करवाई। एक सुरंग इसकी जो है 143 फुट लंबी और 12 फीट चौड़ी और लगभग 12 फीट ऊंची है। सुर्खी, इन चीज़ों को 21 दिन एक चाहड़ी में सड़ाया जाता था। 21 दिन बाद उसमें बैल की जोड़ी से 365 चक्कर घुमा के उसको पिरोया जाता था, तब वो मसाला तैयार होता था। तो वो मसाला यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। और इसके जो दीवालों में जो आपको ये बादामी रंग की या सफ़ेद रंग की जो आपको प्लास्टर दिख रहा है, ये शीप और मार्बल के डस्ट से तैयार किया गया था। ये इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। और इसकी घिसाई नारियल से हुई थी, और ढाका के मलमल जो कपड़ा होता था बेहद मुलायम नर्म होता था उससे घिसाई की गई थी। और कई दीवालों में आज भी अपना आप चेहरा देख सकते हैं। लेकिन ये उस दौर में आज से 110 साल पहले या आज से 50 साल पहले इसकी बेहद चमक थी, और मध्य भारत का ये बहुत ही ग्रैंड इमारत थी। महल में प्रवेश करते ही कई सारी प्राचीन काल की मूर्तियां हैं, कुछ खंडित भी हैं। इसमें जो ये वेंकट भवन है, पहले ये PWD के पास था, लेकिन PWD के छोड़ने के बाद इसको जिला संग्रहालय बनाया गया पुरातत्व का, और पुरातत्व का जिला संग्रहालय यहाँ पे जो ये जो मूर्तियाँ हैं जो खंडित हैं या जो सही हालत में हैं, ये पूरी की पूरी मूर्तियाँ लगभग कलचुरीकालीन हैं जो 9वीं से 11वीं शताब्दी के दौर की हैं। और आपको ये गोलाकार भवन के चारों तरफ उन मूर्तियों को स्थापित किया गया है, आप देख सकते हैं। जब यहाँ के शिल्पकारों को और रियाया को, जो गरीब वर्ग था, जो मज़दूर वर्ग था, जब उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर काम मिल गया और हज़ारों इसमें रेजा मज़दूर लग गए, सैकड़ों इसमें शिल्पकार काम करने के लिए लग गए, और तो वो जो शिल्पकार थे उन लोगों ने खुशी में एक गीत बनाया रीवा राज की ओर से महाराजा वेंकट रमन सिंह जुदेव ने। पूरे रियाया को, पूरे मज़दूरों को, पूरे शिल्पकारों को जो काम करने वाले इसमें थे, सबको अपने तरफ से खाना लगा दिया था, उनको खाना मिलता था। तो उन शिल्पकारों ने गीत बनाया। इसमें शिल्पकार एक सुहान अली थे जो जिन्होंने काम किया था, उन्होंने 1985 में मुझे 115 साल की उम्र में एक गीत बताया था कि हम लोग ये गीत इस भवन को बनाते हुए गाते थे। उस गीत के बोल थे, बघेली में हैं, वेंकट भवन माँ काम खुला है, काम बहुत जारी, मारे हथौड़न कै बीते अंधियारी, और कन्नी चलाए जैसन रन के कटारी, झंझरा खदान से पत्थर टूटे, ढोमे बैल के गाड़ी, मंगा मंगा के पूड़ी चावें भिंडी के तरकारी। ये गीत उन लोगों ने बनाया था, शिल्पकारों ने, पूरा यहाँ से राज्य की ओर से खाना मिल रहा था, और बड़े खुश होकर उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ इस भवन को बनाया है। मुझे इस भवन में एक काम करने वाले विषय निवासी शिल्पकार सुभान अली खां से मिलने का मौका मिला। वो 118-120 साल की उम्र में मरे हैं, और अच्छे हालात में, अच्छी याददाश्त में उन्होंने मुझको बताया इस भवन के बारे में कि इस भवन के निर्माण में महाराजा वेंकट रमन सिंह स्वयं आते थे और हर चीज़ का जायज़ा लेते थे, और काम करने वाले लेबर मजदूर से पूछते थे कि आप लोगों को कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, खाना पीना में कोई दिक्कत हो। तो बड़े शिद्दत के साथ उन शिल्पकारों ने बनाया, और ये पूरी कहानी जो है सुहान अली जी ने मुझे बताई, और मैं उसी को लेके इसमें लेख भी लिखा हूँ। और ये एक महत्वपूर्ण भवन है जो यहाँ के शिल्पकारों की बहुत बड़ा देन है। दूसरी सुरंग भी एक अमरा कोठी को जाती है। ये अमरा कोठी वो इमारत है
जिसमें महाराजा वेंकटरमन जयदेव का बाल्यकाल बीता और वहीं पे उन्होंने अपने साथियों के साथ अध्ययन किया। उनकी माता महारानी सुजान कुमरी उसी महल में रहती थी। जो एक तीसरी सुरंग इसकी जो जाती है वो बानकी विभाग के पास एक बावली है, उस बावली तक जाती है। और इसका जो मुख्य भवन है इसमें एक स्नानागार है, जो महारानियों के लिए स्नानागार बनाया गया था। उस स्नानागार में एक प्लेटफार्म है जो 9 फीट 6 इंच ऊंचा, और उस 9 फीट 6 इंच ऊंचे प्लेटफार्म में जाने के लिए 17 फीट 3 इंच लंबी एक ब्रिज है और वो 3 फीट चौड़ी है, उससे आप उसके मुख्य प्लेटफार्म में पहुंच सकते हैं। और इसके सुरंग में, सुरंग के मध्य में एक स्नानागार है जिसमें पानी डालने और पानी लिफ्टिंग करने का उस ज़माने का सिस्टम बना हुआ है। उस स्नानागार में संकट के दिनों में अगर आप चाहें, उस दौर में इसलिए बनाया गया था कि अगर जंग हो, उस हालात में हमको गोपनीय मीटिंग करना पड़े, तो उस स्नानागार को हम सभागार में तब्दील कर दें। तो उसको पानी फेंकने के लिए उसका लिफ्टिंग सिस्टम था, जो लिफ्ट के द्वारा लिफ्ट करके पानी फेंका जाता था बाहर। और इन सुरंगों में, इनके अंदर बेहद ठंडक रहती है, गर्मियों के दिनों में भी आपको वातानुकूलित बिल्कुल ठंडक रहेगी। और इस तरह से जो इसकी जो आज भी जो सुरक्षित सुरंग है वो मध्य भारत में, या मैं कहूँगा भारतवर्ष में, इतनी सुरक्षित, इतनी लंबी सुरंगें सुरक्षित नहीं हैं। नक्काशी का काम आपके परिजनों ने किया था? ये जो पत्थर के जो नक्काशी है इसमें बेहद माहिर लोग थे। पत्थर में जालियां तलाशना, फूल पत्ती तराशना और बारीक से पेंचीदा नक्काशी करना यहाँ के शिल्पकारों में महारत हासिल थी। उन शिल्पकारों में जो प्रमुख शिल्पकार थे, मोहम्मद खां, दीन मोहम्मद, उस्मान खां, सुलेमान खां, सुभान अली, जयराम कहार, ये उस ज़माने के, उस दौर के बहुत ही मशहूर शिल्पकार थे। बाकी दिगर शिल्पकार इसमें सैकड़ों लोग लगे हुए थे। इसमें जो स्टीको और इनले का जो काम हुआ है वो रीवा के शिल्पकार वो नहीं जानते थे। तो महाराजा वेंकट रमन सिंहदेव ने स्टीको और इनले का काम करने के लिए जयपुर, जोधपुर और आगरा से शिल्पकार मंगाए थे। यहाँ के जो इसमें मसाला जो प्रयुक्त हुआ है, इसमें जो मसाला इस्तेमाल हुआ है उसमें गुड़, बेल, उड़द की दाल, सन, कत्था, इनको और भवन निर्माण में काम करने वाले मुख्य शिल्पकार को काम के बदले रोजाना 50 पैसे डीके दिए जाते थे, जबकि मजदूरों को 12 पैसे का रोजाना वेतन के तौर पर दिया जाता था। भवन का निर्माण गोलाकार हौज में बनाया गया था और उसी हौज के ऊपर ये शाही इमारत खड़ी हुई है। व्यंकट भवन के भूतल में कई कक्ष हैं। इसके साथ ही इमारत के दूसरे और ऊपरी तल में 4 अन्य कक्ष हैं। भवन की दूसरी मंजिल के बाहरी हिस्से में लगे खूबसूरत वर्क को महाराजा वेंकट रमन सिंह ने इंग्लैंड से मंगवाया था। इसके साथ ही इस भवन के नीचे 3 लंबी सुरंगों का भी निर्माण कराया गया था और सुरंग मध्य में ही एक भव्य स्नान घर भी है, जहाँ जो की स्नान के लिए बनवाया गया है। आपातकाल की स्थिति में, या फिर यूं कहें कि हमले की स्थिति में, इस स्नानागार को एक सभा कक्ष के रूप में बदला जा सकता था। आकाश, पाताल और भूलोक के परिकल्पना के आधार पर बनाया गया ये भवन मध्य भारत के प्रमुख भवनों में से एक है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते इसका अस्तित्व अब खतरे में दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में इस भवन के अंदर जिला संग्रहालय स्थापित है और भवन के प्रवेश द्वार में 10वीं और 11वीं शताब्दी कार्जोली कालीन की सैकड़ों दुर्लभ प्रतिमाएं स्थापित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।